गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश। टूडेज योर टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ ही एंड शी। किसका यूज़ करेंगे आज आप ही एंड शी का? कल क्लास में भी मैंने जो आपको यूज़ कराया था बोर्ड से, किसका कराया था? एची ही और SHE शी का यूज़, ही और शी का यूज़ कराया था। आज हम करेंगे बेटा वर्कशीट की हेल्प से। कल बोर्ड की हेल्प से किया था, आज वर्कशीट की हेल्प से करेंगे। मैं आपको फिर से अच्छे से समझाकर ये यूज़ समझाती हूँ, ठीक है? देखिए ये क्या बना हुआ है, किसकी पिक्चर है? ये बॉय की पिक्चर है ना, BOY, बॉय। बॉय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अगर सेंटेंस में बॉय आ गया है तो बॉय के लिए हम HE का यूज़ करेंगे, ओके? अब देखिए ये गर्ल बनी हुई है, GIRL, गर्ल। और गर्ल के लिए किसका यूज़ करते हैं? SHE, शी का यूज़ करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में गर्ल आ गया है, या फिर फीमेल के लिए, गर्ल के लिए कुछ इस तरह से मदर, सिस्टर है ना, इस तरह से आ गया है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? SHE, शी का यूज़ करेंगे, ओके? आप अच्छे से समझ लिया आपने ही का यूज़ कहाँ पर करते हैं और शी का यूज़ कहाँ पर करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस की हेल्प से आपको बताऊंगी कि ही और शी का यूज़ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप सेंटेंस को नोट डाउन करेंगे। लिखिए THIS, दिस स्पेस छोड़कर, IS इज़, MY माय, MOTHER मदर, दिस इज़ माई मदर, हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट लाइन में आपको ये स्पेस बनाना है, यहाँ पर ड्रॉ करके लाइन को यहाँ हम फिल करेंगे कि ही आएगा या शी आएगा। फिर देखिए IS इज़ आ TEACHER टीचर, डैश इज़ अ टीचर। अब टीचर कौन है? मदर है ना, दिस इज़ माई मदर डैश इज़ अ टीचर। तो मदर कौन है? HE है या SHE शी है? मदर कौन होती है? गर्ल होती है। तो गर्ल के लिए किसका यूज़ करते हैं? शी का यूज़ करते हैं, SHE शी। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? शी। आप सब लिखिए मेरे साथ, लिखिए SHE शी, ओके? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर 2 नंबर पर देखिए, लिखिए PRIYA प्रिया, PRIYA प्रिया। IS इज अ GIRL गर्ल, डैश IS इज SINGER सिंगर। फुल स्टॉप भी लगाना है लास्ट में सेंटेंस के, डैश इज अ सिंगर। प्रिया कौन है? गर्ल है। और गर्ल के लिए किसका यूज़ होता है? मैंने आपको बताया था ना, गर्ल के लिए GIRL गर्ल के लिए किसका यूज़ होता है? गर्ल के लिए SHE शी का यूज़ होता है। तो हम प्रिया गर्ल है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? S, नोट डाउन करिए, SHE शी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, RAM राम, IS इज अ PLAYER प्लेयर, राम इज अ प्लेयर, ठीक है? राम कौन है? प्लेयर है। डैश IS इज अ BOY बॉय, डैश इज अ बॉय, राम प्लेयर है, राम कौन है? बॉय है। और बॉय के लिए किसका यूज़ होगा? HE का या SHE का? देखिए बॉय के लिए यहाँ बॉय है, बना हुआ है पिक्चर, BOY बॉय के लिए HE का यूज़ होगा, है ना, ठीक है? अब आप यहाँ पर लिखेंगे 3rd नंबर पर HE, समझ आया आपको? फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 4 नंबर पर, पेंसिल देखिए, लिखिए पेंसिल से THIS, दिस, IS इज, MY माय, FATHER फादर, दिस इज़ माय फादर। फादर कौन होते हैं? बॉय होते हैं या गर्ल होते हैं?
बॉय होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ लाइन बनाकर, आई एस इज अ टी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बॉय नहीं लिखा हुआ या गर्ल नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे पता करेंगे? सबको मालूम है फादर कौन होते हैं, बॉय होते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए किसका यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करते हैं, है ना, और फीमेल के लिए शी का यूज़ करते हैं। अब आपको मेल फीमेल समझ नहीं आएगा, अभी आप छोटे हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है फादर बॉय होते हैं, मदर गर्ल होती है, और ब्रदर बॉय होते हैं, सिस्टर गर्ल होती है, तो सबको मालूम ही है। तो फादर के लिए किसका यूज़ किया, एच ई ही, एच ई ही का यूज़ करेंगे, ओके। अब जैसे आपकी क्लास है, क्लास में बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, है ना, तो आप बॉय के लिए, जो बॉयज़ हैं क्लास में, उनके लिए किसका यूज़ होता है, एच ई ही का यूज़ होते हैं, है ना, और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए किसका यूज़ होता है, एस एच ई शी का यूज़ होता है। अगर आप इतना भी माइंड सेटअप कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। सब बच्चों को सुंदर राइटिंग में होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ऐसा देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी ये पिक्चर आज बनानी है, कल मैं ही करवा चुकी हूँ, तो डेली डेली ये पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली ये सेंटेंस लिख के और समझ के मेरे पास होमवर्क सेंड करेंगे, ओके।